हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सुबह का ये मॉर्निंग का टाइम है और आज गुड्डू को जाना है कैंप, तो उसकी तैयारी चल रही है। वो इस समय नहाना अपना कर रही है और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। और उसने कहा था मम्मी नाश्ते में आलू के पराठे बनाना, और बस आलू के पराठे बना दिए हैं और साथ में थोड़ी आलू बचा के मैंने आलू की सूखी सब्जी बना दी है, क्योंकि फिर ये काम पर जाएँगे अपना खा पी के। और बस यहाँ पे काम तो खैर हो ही गया था, थोड़ा बहुत बच रहा है तो वो आके कर दूँगी, क्योंकि हमें टाइम से जाना है। और थोड़ा सा वो हो रहा था कि लेट ना हो जाए, टाइम से पहले ही पहुँच जाए, क्योंकि 10 बजे गुड्डू को रिपोर्टिंग करनी है। और फिर वही रहता है रास्ते का जाम जुम ना मिल जाए, और हमें मतलब टाइम से पहले ही निकल जाना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है बच्चे नाश्ता भी कर लेंगे और यहाँ पर मैं जो है सब्ज़ी बना के चली जाऊँगी। और इन्होंने तो खैर आलू के पराठे खा लिए, लेकिन बाद में जो है दिन में आएंगे लंच के लिए तो सब्जी बनी रहेगी, तो फिर अपना जो है रोटी सीख जाएगी। और पहले तो ये जा रहे थे, मतलब मेरा भैया जा रहा था छोड़ने के लिए, फिर बाद में उसे कुछ काम आ गया तो ये जा रहे थे, और इन्होंने जो है ना आफत मचा दी। बिल्कुल गाड़ी में बैठते हैं ना आफत मचाते हैं, आप खुद देख लीजिए। किसने लिए खीर होंगे? आप नीली वाली पे, नीली वाली में बस है ना? अरे हील पहन की हील तानू चप्पल हमने तो सोचा था कि ये तो भाई देर में होगा। मैं दी तो 30 बजे खाली आ गई। तुम हबर तबर मचा रहे हो, अगर कोई सामान भूल गई है लड़की तो फिर फिर देना तो ना जाएंगे कहीं मैनेजर? फोन ही अपना आप कर लेगी तुम लोगों को, सबको कह रही मैं अपना आप करूंगी फोन। ओ बैंक करके लॉक में बताइए चल क्या? चल बैठो अनु, तो आने दो अभी भी देख ले कुछ भूली तो नहीं। मेरा बैग तो रखवा दो। बैग गया भाई, बैग गया, एक तो बैग गया, अभी गाड़ी धोनी है। केक कट गया? देखो नीचे गोबर ही गोबर है, ध्यान रखो। केक कट गया, इसे कह रही हूं कट गया। केक तो भाई खाना ही पड़ता है। चलो बैठो, अब बड़ी बदबू आ रही है ऊपर में से, किए थे खाली। अरे यार मुन्नू के पापा तुम भी ना, बस मैं सैंड लगा रखे खुशबू आ जाएगी, इसे ऊपर कर लेना। वाह क्या गाना बजा रखा बिहारी गाने। एक गाना तो देख बिहारी वाला गाना, कौन सा बजा रखे ये गाना? किसने बजा रखा पापा? गाना किसने बजा रखा बिहारी? और यहाँ पे ना गुड्डो को छोड़ने के लिए पूरी बारात जा रही है। अनिकेत कहने लगा कि मम्मी मैं भी जाऊँगा, तानू कहने लगी बुआ मैं भी जाऊँगी, और फिनक्स कहने लगे बुआ मैं भी जाऊँगा। तो वही हो रहा था, मैं कह रही थी और भी आ जाओ, और इतना मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है सबको कि भैया हम गुड्डो को छोड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने तो कह रहा फतेह मचा रही कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, इतना गुस्सा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि काश मुझे कार चलाने आती तो मैं चला के खुद चली जाती। पर यह है कि चलो टाइम भी हो रहा है और यहाँ पे गुड्डू को मिल रही है, उसकी मामी बाय बाय कर रही है। और मैं ना ज़्यादा बोल नहीं रही थी गुड्डू को, ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, मुझे ये हो रहा था कि कहीं वो रोने लग जाए, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा हो ही रहा था। फिर मैं चुप रही, मैं ज़्यादा नहीं बात करी उससे। कितना गंदा हो रहा है उसका कवर। क्या कवर? मैं ले लूँ ना। अच्छी नहीं है अच्छी। जल्दबाजी में घर से निकलते हैं, सामान छोड़ जाते हैं। वो हल्के हल्के आएगा, जल्दबाजी में नहीं आएगा वो। तुम्हारी तरफ? हाँ। अब बता, यहाँ पे पता चला कि दरी छूट गई, गुड्डू सोई की कहीं में। जब ही वो कॉल कर रहा था बैग तो था ही नहीं, पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ
बॉस हो जाता है। चलो कानो चलो अंदर नहीं होगा अंदर अंदर पेरेंट्स अलाउड नहीं है ना। पानी आ गया, पानी को चेक कर लेते हैं। तो आज हो गई थी बारिश, और बारिश पड़ी है और पड़ के मतलब ऐसी पड़ी है, आधा घंटा तो पड़ी है लेकिन पड़ के फिर वही गर्मी निकल गई है। और फिर जो है और गुड्डो को छोड़ आए हैं। पर्दा कैसा होगा ये ना, पर्दा ना मैंने इसमें बांध रखा है, ये ना ऊन की रस्सी सी, और ये फिसल फिसल के आ जाता है। वो नहीं है, वो जिसमें पर्दा लटकाते वो है नहीं। और ये अभी यहाँ पे थे, कहाँ गए नीचे देखते हैं एक बार, नीचे से चले गए क्या? मुझे कह रहे थे चल नीचे घूम लेते हैं, वीडियो बना रही मैं। कहाँ तो गुड्डो को हम छोड़ आए हैं, और छोड़ के आए हैं, हो गई है गड़बड़ मेरे से। और क्या हुआ, जैसे हुआ ना कि पेरेंट्स अंदर नहीं जा सकते, तो मैंने फटाफट उसे बैग वैग दे दिया, और जब बैग वगैरह उसे दिया और वो अंदर चली गई, और मैं वापस आके गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे याद आया कि मैंने जो सूटकेस है उसकी चाबी नहीं दी है, जो बैग में लॉक लगाया था ना उसकी चाबी मेरे पास ही रहेगी, और वो अचानक वहीं पर रखी थी। तो याद आ गई, मैं फटाफट देने गई तो वो चली गई थी, फिर वापस नहीं आ सकते हैं, अंदर हमारा अलाउड नहीं था जाना। और वो गेट में सिक्योरिटी गार्ड थे तो वो कहने लगे यहीं रख दो, लेकिन मन में वो था कि पता नहीं देंगे नहीं देंगे, खो जाएगी चाबी जरी सी है। और उसे फ़ोन मैं कर रही हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, मैं परेशान हो गई फ़ोन करके। फिर वहाँ काफ़ी देर खड़ी रही थी, फिर उसकी सीनियर खड़ी थी बाहर, क्योंकि गुड्डू ने मुझे जाते हुए बताया था कि मम्मी मेरी सीनियर है। तो मैं सीनियर को देख के चाबी और आ गई, और मेरे रास्ते में इतना मूड ख़राब रहा कि ना तो मेरे से बोलना बन रहा था ना कुछ नहीं, बस ऐसा हो रहा था कि बस आंसू आते आते रुक रहे थे, इतनी मजबूरी फील हो रही थी ना। ना तो गुड्डो फ़ोन उठा रही थी, चाबी उसकी मेरे पास रह गई थी। अगर यूनिफॉर्म पहन के उसे तैयार होकर जाना होता तो सब कुछ जो था बैग के अंदर था और ताला लगा हुआ था। अब घर आके भी मैंने काफ़ी बार उसे ट्राई किया, ये तो अपने काम पर चले गए थे, और मैं सच बताऊँ मुझे भूख तक नहीं लगी, मैंने खाना तक नहीं खाया उस चिंता में कि क्या उसे चाबी कैसे मिली नहीं, फ़ोन आया नहीं आया। फिर शाम को अभी थोड़ी देर में जो है फ़ोन आया, और कहती है कि मम्मी मेरी चाबी दी थी आपने, तो मैंने कहा बेटा चाबी तो मेरे पास रह गई थी। फिर मैंने उसे बताया थी सीनियर को दी मैंने, तो वो सीनियर के पास गई तो वहाँ से जो है चाबी मिली, और अब जाके उसने बैग खोला तो मुझे शांति मिली। वरना मैंने ऐसे बैठी थी ना, बिल्कुल इतना हो रहा था, इतना फील हो रहा था, मैंने कहा अगर मिली ठीक है, नहीं तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, और दो चाबी और रखी थी वो देनी पड़ेगी। और मैंने कहा अगर उसे एकदम से ड्रिल के लिए निकलना पड़ा यूनिफॉर्म पहन के और नहीं निकल पाई तो फिर पनिशमेंट मिल जाएगी, क्योंकि NCC का जो रूल होता है बहुत सख्त रूल होता है, बहुत हार्ड होता है और सख्त होता है। तब मुझे जो है शांति मिली, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ आगे का, इससे वीडियो को जो है ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो स्टार्ट तो हो गया था, थोड़ा सा बना के मैंने छोड़ दिया था। और दिन भर मैं ऐसी रही, मैंने कहा जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता उसे चाबी मिली कि नहीं मिली तब तक मुश्किल है मेरा वीडियो। तो बस अब जो है मैं शांति से, मैं खुश हूँ, मैं मतलब होता ना भारी भारी दिल हो रहा था और अब मैं खुश हूँ। और हो जाता ना कई बार हम इतने मजबूर हो जाते हैं, और बच्चा हमारा मुसीबत में इतना मजबूर हो जाता है, हम जा नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते, तो बहुत वो ऐसा लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए। तो खैर वो गलती मेरी थी, मैंने जब लॉक यहाँ पे ख़राब हो गया था ना बैग में लगा के, तो लॉक दूसरा मैं रास्ते से लिया था, और लॉक मैंने उसी समय वहाँ लगा था, चाबी अपने पास रख ली, तो गलती वो करी मैंने उसे रास्ते में ही दे देनी चाहिए थी, वो खैर उसमें गलती सारी मेरी है किसी की नहीं। और बस अब अभी बारिश होके हटी है, और जितनी पड़ी है उतनी गर्मी निकल गई है, और बस पानी आ गया, पानी वानी भरूंगी, बर्तन रखे बर्तन धोऊंगी, और खाने का देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं। और वीडियो पता नहीं लंबा ना हो गया हो, मैं छोटी छोटी वीडियो कोशिश करती हूँ डालने की। तो चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं, और जरा सा पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और
बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और मुझे 3 साल पूरे हो गए हैं यूट्यूब पे, 4th लग गया है, पर मैं वहीं की वहीं हूँ क्योंकि गलती मेरी है, मैं मेहनत नहीं करती हूँ। मेहनत करूँ, वीडियोस डालूँ तो बात है, उस दिन डालती हूँ फिर ब्रेक हो जाता, लंबा फिर डालती हूँ ब्रेक हो जाता है, उसमें गलती, सब गलती मेरी है। खैर मैं मानती हूँ अपनी गलती। और मुझे गर्मी लग रही है, ये नीचे गए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, और मुझे भी कह गया तू भी आ जा, तो मैं देखती हूँ नीचे जाती हूँ या फिर अभी खाने के लिए देखती हूँ, क्योंकि हम 4 जने ही हैं, और देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।